खबर पाली से है, जहां रोहट थाना क्षेत्र के कलाली गांव में चल रहे नरेगा कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व विधायक भीमराज भाटी पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पूर्व विधायक को गहरी चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हमला करने वालों की तलाश में जुट गई। वहीं पूर्व विधायक के समर्थकों का यह आरोप है कि हमला पूर्व सरपंच के इशारों पर किया गया, हालांकि इस पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला यहां पर देखने को मिला। पाली से आपको खबर बता रहे हैं, जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया, मनरेगा कार्य का निरीक्षण करने ये पूर्व विधायक पहुंचे थे। समर्थकों का यहां पर यह कहना कि पूर्व सरपंच के इशारों पर यह हमला किया गया, हालांकि जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है और फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है कि क्या कारण रहा इस हमले का, क्यों ये हमला हुआ, क्योंकि समर्थक लगातार आरोप लगा रहे हैं सरपंच के इशारे से ये हमला हुआ, जानलेवा हमला किया गया, मनरेगा कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे पूर्व विधायक और वहीं पर ये हमला किया गया। हमले के बाद जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया और पुलिस लगातार जुटी हुई है कि क्या कारण आखिर रहा होगा, क्या वजह इस हमले की रही होगी। समर्थक लगातार कह रहे हैं कि पूर्व सरपंच का इशारा था और उसी पर यह हमला किया गया। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मनीष राठौर फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या वजह रही, कुछ सामने आ पा रहा है, क्यों ये हमला किया गया? जी मनीषा, बता देना चाहूंगा कि पूर्व विधायक भीमराज भाटी जी, उनके साथ दो अन्य लोग आज मनरेगा के कार्य को देखते हुए पाली विधानसभा के रोड क्षेत्र में गए थे जी, जहाँ पर पूर्व सरपंच व बजरी माफिया सरदार राम बाट के इशारे पर महिलाओं ने व कुछ युवकों ने उन पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया जी। ऐसा क्यों सामने आया, क्या उनकी कोई पुरानी रंजिश थी? जी मनीषा, बता देना चाहूंगा कि लगातार बजरी माफिया सरदार राम भाट द्वारा उस क्षेत्र के अंदर बजरी की अवैध कालाबाजारी की जा रही थी, जिसकी शिकायत पूर्व विधायक ने उस अधिकारियों से लेकर सरकार की को भी की, उसको लेकर रंजिश के कारण ये घटना घटी है मनीषा। जी फिलहाल उनकी हालत कैसी है, कैसी स्थिति है? मनीषा बता देना चाहूंगा कि पाली शहर के बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में उनकी हालत अभी स्थिर है जी, अभी उनको डॉक्टर ने चेक किया है, आईसीयू में लेके गए हैं, हाल फिलहाल उनकी हालत अभी तक ठीक है। पुलिस की क्या कार्रवाई सामने आई, कुछ कार्रवाई की गई इस पूरे मामले पर, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया या नहीं? मनीषा बता देना चाहूंगा कि हाल ही में 10 मिनट पहले की सूचना है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की लगातार दबिशें जारी है जी। बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व सरपंच के इशारे से यह हमला किया गया, पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला हुआ, हालत उनकी फिलहाल स्थिर बनी हुई है।